अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा, हम अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, को स्टडी करते आ रहे थे अब तक, ठीक है। तो आज जो मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया हुआ है इस वीडियो के लिए, उसका नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने इसके ये दोनों नाम्स याद रखने हैं, ताकि जिस मर्जी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सके, आपको अटेंड करना आता हो और पता हो कि ये कौन से वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहती है कि आपके पास, अगर हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करें, कहते हैं एक फ्रेंच फिजिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था लोइस डी ब्रॉगली। उसने क्या किया, 1928 के अंदर ये प्रूव किया दैट ओनली लाइट हैज ड्यूल नेचर, ठीक है, लाइट ओनली हैज ड्यूल नेचर। अब लाइट ड्यूल नेचर, हम इसी के ऊपर तो इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करते आ रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते थे, या अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में ये था कि जो लाइट है आपके पास, वो एज अ वेव बिहेव करती है। लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स में आते थे, मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक स्टडी किए थे, उधर साइंटिस्ट ये प्रूव करते आ रहे थे कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, ठीक है। तो अब इसी को हम मज़ीद डिस्कशन में लाते हुए अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे वेव होती है और कैसे पार्टिकल बिहेव करती है, या वेव है या नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेव नेचर की, तो हमें इस टॉपिक के अंदर ये प्रूव करना है कि जो लाइट है उसकी जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक है, चूँकि हमारे टॉपिक का नाम भी यही है। और अगर इसकी ये वेव नेचर प्रूफ हो गई, तो हम कहेंगे ये जो टॉपिक था ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग था, ठीक है। अब नेचर है, इसकी दो नेचर थी, नेचर एज वेल पार्टिकल एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे थे। फिर से एक रिपीट कर देता हूँ कि 1928 के अंदर एक फ्रेंच फिजिस्ट, ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फिजिस्ट था, जिसका नाम था लोइस डी ब्रॉगली। उसने ये प्रूव किया कि जो लाइट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी दो नेचर होती हैं, या तो वो पार्टिकल भी हो सकती है या वो वेव भी हो सकती है। फिर कहते हैं कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम जाएँ, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं एक्सप्लेनेशन में कहते हैं अगर हम बात करते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है, फोटॉन का जो मोमेंटम था उसकी, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन हमने पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता था, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा के, ठीक है। अगर हम इधर से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, ठीक है, कहते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। बेटा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम अब फोटॉन का जिक्र इसमें क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फोटॉन के मोमेंटम की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो इसको मैं बताता चलूं कि हमने विद द हेल्प ऑफ वेव लेंथ ये प्रूव करवाना है कि जो लाइट है वो वेव प्रूव बिहेव करती है या पार्टिकल बिहेव करती है, ठीक है। वेव लेंथ का फार्मूला निकालने के लिए हमें ये फोटॉन का मोमेंटम लिखना पड़ा। फिर अब देखिए, वेव लेंथ का फार्मूला बना, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, या वेव लेंथ इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब इधर आपके पास आ रहा है पी, पी रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी के साथ, पी इज इक्वल टू एम वी। तो आपके पास जो पी बराबर आता है वो किसके बराबर आता है अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, ठीक है, पी बराबर आपके पास आ रहा था एम वी के। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो पी की वैल्यू एम वी आ रही थी, आपने अपने इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। आपके पास जो लैम्डा का आंसर बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम और वी, ये आपके पास
आ जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा इधर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको वेवलेंथ को, ठीक है, एसोसिएटेड विद पार्टिकल वेव, ठीक हो गया। ये आपके पास लैम्डा का फार्मूला आ गया। अब इसको हमने प्रूव कैसे करना है कि ये जो लाइट है वो वेव बिहेव करेगी या पार्टिकल बिहेव करेगी। कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें कि जो वो बड़े मैसेज होते हैं उनकी और जो छोटे या जिनको आप कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें। अगर तो जो वेवलेंथ उनकी आई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल होगी तो वेव क्या करेगी, एज अ पार्टिकल बिहेव करेगी। अगर वो एक्सपेरिमेंट जो उनके आ रहे थे वो अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटली प्रूवेबल ना होगी तो वो एज अ वेव बिहेव करेगी, पार्टिकल बिहेव करेगी। और सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। अगर जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल होगी तो वो लाइट जो है वो वेव के तौर पर बिहेव नहीं करती। अगर वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल होगी तो वो एक्सपेरिमेंट वो क्या करती है, एज अ वेव बिहेव करती है। अब देखते हैं इसको कि ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है। कहते हैं वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कहते हैं कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैसेज, वेवलेंथ एसोसिएटेड वेवलेंथ एसोसिएटेड with large masses वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैस। इसकी एग्जाम्पल या वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं कि सपोज आपके पास क्या है कि एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट कहते हैं राइफल की जो गोली होती है, एक आपके पास बुलेट है, ठीक है। बुलेट को राइफल से क्या किया गया है, फायर किया गया है। अगर हम देखते हैं कि मैस ऑफ बुलेट, कि बुलेट का जो मैस था, मैस ऑफ बुलेट वो कितना था, सपोज कर लेते हैं वो कह रहे हैं कि सपोज को उसका जो मैस था वो था 20 ग्राम। ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 20 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है बेटा, आपने याद रखना है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हल करते हैं तो हमने उसको बेस यूनिट्स में रखकर उसको हल करना होता है। जैसे मैस का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं किलोग्राम होता है। अब ग्राम हमारे पास दिया हुआ था, ग्राम से हमने किलोग्राम में जाना था, उसके दो मेथड है। या तो आप जो आपके पास वैल्यू दी हुई है उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दें। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो सिंपल आप क्या करें, उस वैल्यू को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम में, ठीक है। अब कह रहे कि ये जो बुलेट फायर हुई थी उसका जो मैस है वो 20 × 10⁻³ किलोग्राम आ गया। अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी वो बता रहे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, तो वो कह रहे हैं 330 मीटर पर सेकंड। जो उसकी वेलोसिटी थी जो मूवमेंट कर रही थी वो किसके साथ मूव कर रही थी, जो वेलोसिटी हुई है वो 330 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब कहते हैं कि आपने क्या करना है, मैस और वेलोसिटी की मदद से आपने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। मैस और वेलोसिटी की मदद से वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया था जो मैंने इधर लिखा हुआ है। अब मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि हमारी अरेंजमेंट थोड़ी सी खराब ना हो। अब वेवलेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है, ये आपके पास वेवलेंथ दी हुई है, एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब h तो आपके पास क्या चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, जिसकी वैल्यू थी 6.63 × 10⁻³। ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी जुबानी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब अगर हम सिंपल इसकी वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h इज इक्वल हमारे पास ये आया 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय m की जगह m की वैल्यू 20 × 10⁻³
मल्टीप्लाई वी आपके पास आ रहा था 330, तो बेटा आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना सारी वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻³⁴ मीटर, 1 × 10⁻³⁴ मीटर, तो ये आपके पास आ रहा था। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई लैम्डा की, और ये देखिए -34 ये मच लेस देन वैल्यू है, मच लेसर वैल्यू है कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या वैल्यू है, जो मैथमेटिकली अनऑब्जर्वेबल है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ये कैलकुलेट ही नहीं हो सकती तो हम कहेंगे कि ये जो वेवलेंथ है इसकी, ये एज अ वेव बिहेव नहीं करती। ठीक है, जो वैल्यू है हम इसको डिटेक्ट, -34 का मतलब है कि आपने इस जीरो के लेफ्ट साइड पर 34 जीरोस लगाने हैं तो फिर जाकर इसकी वैल्यू बनेगी। तो 34 जीरो लगाते वक्त कितना लंबा आंसर हो जाता है, और ये बिल्कुल और एंड पर जाकर एक आ रहा है, तो बिल्कुल ही छोटा, हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इतनी छोटी वैल्यू है ये। ये तो था कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लार्ज मैस, अब दूसरा पढ़ लेते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड विद स्मॉल मैस। ठीक है, उसके लिए क्या एग्जांपल दी हुई है उसको हम देख लेते हैं अभी। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद स्मॉल मैस, या उसको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक हो गया, अब इसके लिए कहते हैं कि सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड दी हुई है वो उन्होंने दी हुई है 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वी, तो वो दी हुई है उन्होंने 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल यही बताया हुआ है उन्होंने। फिर आपने क्या करना है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए, वेवलेंथ को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी वेवलेंथ निकालनी है। अब लास्ट वाली जो हमारे पास एग्जांपल थी लार्ज मैस वाली, उधर हमारे पास बुलेट का मैस भी दिया था, बुलेट की वेलोसिटी भी दी थी, लेकिन अब जब बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो उधर उन्होंने हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बताया कि आपके पास जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और उसकी सिर्फ हमें स्पीड या वेलोसिटी बताई हुई है। और एक बात, अब इधर मैस क्या होगा, मैस आपने खुद से जुबानी याद रखना पड़ेगा कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, ये आपने खुद जुबानी याद रखना है। अब देख लेते हैं कि जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आ गई थी, अब कह लेते हैं कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, वो आपने याद रखना है 9.1 × 10⁻³, 9.1 × 10⁻³, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। फिर तो हमारे पास जो आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला है उधर यूज होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, उसकी भी वैल्यू लिख लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ, उसकी वैल्यू थी 6.63 × 10⁻³। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है वेवलेंथ वाले फार्मूले में, तो वेवलेंथ आपके पास बराबर होती है एच ओवर एम वी। सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर दें, लैम्डा एज इट इज आ गया, एच की जगह एच की वैल्यू पुट करें 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओवर क्रीच, आपके पास एम आ रहा है और वी आ रहा है, एम की वैल्यू हमें पता है वो मैस होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ रहा था वी दिया हुआ है 1 × 10⁶। तो सिंपल आपने कैलकुलेट करके जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, 7 × 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो अब आप देख ले कि जो वैल्यूज हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो आ रही थी 1 × 10⁻¹⁴। ठीक है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी एक लार्ज मैसेज के लिए। ठीक है, ये लार्ज मैसेज के लिए थी और ये आ रही है स्मॉल मैसेज के लिए।
तो अभी आप खुद कंपेयर कर लें कि इधर जो वैल्यू थी वो 1 × 10⁻³ था, लेकिन इधर जो वैल्यू आ रही है 7 × 10⁻¹० आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल है, यहाँ हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये किस ये एक्स रेज की रेंज में आती है, ठीक है। वैल्यू दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस वैल्यू, ये आपने याद रखना है, दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन एक्स रेज रेंज, इन एक्सरे रेंज, ठीक हो की बात कि ये वैल्यू एक्सरे रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो जो हमारी एक्सरे रेंज में एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं या उसको डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये 10⁻³ तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। यानी कि प्रूफ हुआ कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है एक्स रेज की रेंज में, ठीक है, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि जो आपके पास लाइट है या जो आपके पास पार्टिकल की नेचर है वो कौन सी नेचर होगी, वेव नेचर, ठीक है। ये इक्वेशन हमें ये साबित करवाती है कि जो आपके पास पार्टिकल की नेचर आ रही है वो कौन सी नेचर आ रही है, वेव नेचर आ रही है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रॉगली हाइपोथीसिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, सिंपल सा काम था। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि किसकी ने इसके ऊपर वर्किंग की, फिर हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू फोटॉन जो मोमेंटम, फोटॉन के मोमेंटम से हमने वेवलेंथ का फार्मूला कैलकुलेट किया, फिर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की फॉर स्मॉलर मैसेज के लिए और फॉर लार्जर मैसेज के लिए। तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाते हैं इनके पास, जो एक तो वैल्यू डिटेक्टेबल है और दूसरी वैल्यू जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होती। तो ये था हमारा टॉपिक वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।